शासन ना कोई नेता मंत्री कोई देखने में ध्यान ही नहीं देते हैं, जहाँ की आने जाने में लोगों को बहुत परेशानियां मिलती हैं। और गांव वालों को कहना है कि यहाँ तो कोई नेता आते ही नहीं है, ताकि हमारी यहाँ की स्थिति जाने। मैं हूँ खबरलारिया की श्याम कली पत्रकार। ये पूरा गड्ढा बिल्कुल शहर है, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा फिर वो फिर गड्ढा दोनों साइड का होता है। ये कब से है? ये दो तीन साल हो गए लगभग। कितना किलोमीटर खराब है? सात आठ किलोमीटर। कब से खराब है? तीन साल खराब है। चल नहीं पाती है। पीरियड भी छूट जाता है कभी कभी, आज भी छूट गया था दो पीरियड, आज हमारे छूट गए इस सड़क के मारे। घर से कितने बजे चलते हैं? हम घर से चलते हैं मैम 6 बजे। और स्कूल कितने बजे पहुंच पाते? हम स्कूल वैसे तो पहुंच जाना चाहिए 1/2 घंटे में, पर हम 1.5 घंटे में पहुँच पाते हैं। इतना खराब रोड है की कोई पैदल तो जाना ही जाना है हमको, ये 1/2 किलोमीटर पैदल है हमारा डेली। हमने तो ये भी कहा था यहाँ धरना दीजिए सभी, हमने कहा था ये सभी गांव वालों से कि आप चल के एक बार यहाँ रोड जाम करके और यहाँ धरना दीजिए भाई, वहाँ सब DM साहब और सब लोग आएंगे तो मतलब कुछ न कुछ तो सुनवाई होगी, है कि नहीं। लेकिन अब वो सब भाई अब काम में भी देखिए, सब किसान पड़ जाते हैं इस क्षेत्र में तो कोई अब जाने के लिए तैयार नहीं, सब अपने खेती बाड़ी काम में भी देखिए। यहाँ की रोड नहीं बनता ना, कोई आता है आप नहीं आइए, नहीं कोई आता नहीं है। हमने कई बार दरखास्त की, कोई सुनाई हमने दी कब जैसी दिवस में दी। कितने दिन पहले हमने दी? कम से कम 4 महीने पहले एक दी थी, 7-8 महीने पहले, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। ऐसा है तुम पहाड़ से गोरखा तक, ठीक है, वो 10 साल पहले मतलब जो है RES ने बनाया था उसको, इस समय उसका स्वामित्व जो है जिला पंचायत का है। वो मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है, सोलिंग है उसमें, उसका विशेष मरम्मत से उनको ही करना है, जिला पंचायत को ही करना है, क्योंकि जिसका स्वामित्व होगा वही काम कराए पाएगा। आगे की सड़क जो है अक्टोहा तक वो लोग ने मार्ग विभाग की है, उसका प्रस्ताव गया हुआ है शासन को नवीनीकरण के लिए, अगर वो स्वीकृत हो जाएगा तो उसमें काम करा दिया जाएगा पूरा।